रावलपिंडी का प्लेटफॉर्म है ये ट्रेन का, जहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सवारी का। रावलपिंडी का स्टेशन है, हम पहले प्लेटफॉर्म में बैठते थे, अब स्टेशन पर आके बैठ गए। काफ़ी अच्छा सा है ये, और यहाँ पे क्या है ये बनकवा, वहाँ अभी जूस और उसका शेक का था स्टॉल, अब है ये बन कबाब वगैरह, ये बन कबाब का है। तो बन कुछ भी नहीं रहता, बना हुआ रखा हुआ है, बन रहा होता है तो हम उसके प्रिपरेशन के शॉर्ट्स, कुकिंग शॉर्ट्स लगाते हैं। ये क्या है, रेस्टोरेंट है, दिस इज अ रेस्टोरेंट आई थिंक। ये यहाँ पे कमरे भी हैं, मुसाफिर आते हैं वहाँ ठहर भी सकते हैं। ये है नॉर्मल वाला, दिस इज द डक शॉप, काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। और आगे जो है आई थिंक एक और है रेस्टोरेंट जो भी, जिसकी लाइट ब्लिंक कर रही है सामने, देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छा सा ओल्ड सा लुक है ना यहाँ का, पंखे भी वो लंबे लंबे लटक रहे हैं ये देखें, और ये लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं। ये है रेट लिस्ट है, अच्छा ये भी जूस वगैरह शेक्स ड्राई फ्रूट्स लटक रहे हैं, बस दिस इज क्लोज्ड ऑन राइट। Then this quite a nayab cafe, which is lit and open, and I don't know what they make, but it looks okay. I think desi cheez hai yahan pe bana rahe hain. कैसे हैं आप, सलामकुम, ठीक है। वीडियो बना रही थी, कराची से आए हम लोग, क्या बना रहे हो, उसमें क्या है, क्या है उसमें, रोटी है, और ये क्या है, चने एंड आलू याद है। यहाँ पे रूम्स हैं जिसमें वहाँ पर ठहर सकते हैं ओवरनाइट वगैरह, जो कि कहीं और जा रहे होते हैं दूसरी सिटी में नेक्स्ट ट्रेन के इंतज़ार के लिए। दूसरी साइड है इसकी स्टेशन की, यहाँ पे कुछ और दुकानें हैं थोड़ी सी, उसको एक्सप्लोर करते हैं हम। तो सामने देखिए दुकानें नजर आ रही है, इसको देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छे स्टाइल की ब्रांडिंग की है, कलर ब्रांडिंग भी, और वैसे भी आलू के कबाब है, और ये हैं पकौड़े, ज़बरदस्त से मज़ेदार से आलू के, ये कहते हैं हम अजवाइन पे डालते हैं ताकि पेट ना ख़राब हो आपका, सही रहे। बुज़ुर्गों यही बात है ना, इसमें आप अजवाइन वगैरह सबको अच्छे मसाले डालते हो ना, ताकि सबका पेट सही रहे।